हेलो फ्रेंड, हम ऐसे दो सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए मैं अपने चैनल को क्रोम पर खोलते हैं और आपको कैसे सेटिंग करना है उसके बारे में आपको फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। तो चलिए फटाफट क्रोम को यहाँ पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अपने चैनल के लिंक को वहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैं कर रखा हूँ तो यहाँ पर मैं चलिए ओपन करते हैं अपने चैनल को। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर थ्री डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। एक ऑप्शन यहां पर दिख रहा होगा कस्टोमाइज चैनल, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आप फुल डिटेल में सेटिंग सीख पाएंगे और अपना चैनल ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा चैनल खुल चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद आपको इधर स्लाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग का, आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा जनरल, उसके नीचे चैनल पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर कीवर्ड वगैरह आपको अपने चैनल से रिलेटेड लगा लेना है कि जिससे कोई सर्च करे तो आपका चैनल वहाँ शो हो जाए। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड वगैरह अच्छे से ट्रेंडिंग कीवर्ड वगैरह डालना है। फिर यहाँ पर फीचर्स एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देगा, स्टैंडर्ड फीचर, इंटरमीडिएट फीचर्स, एडवांस फीचर्स। इन तीनों को इनेबल कर लेना है। आपके चैनल पर ये तीनों इनेबल हैं तो आपका चैनल ग्रो होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस आपको एक काम ये करना है कि आप रेगुलर वीडियो डालते रहिए और ट्रेंडिंग कीवर्ड वगैरह यूज करते रहिए, बस आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।